नमस्कार दोस्तों दोस्तों लंबोसैक्रल या लंबर स्पाइन एक्सरे एक इमेजिंग टेस्ट है जिसकी मदद से रीढ़ के निचले हिस्से यानी कि बैकबोन की हड्डियों की छवियां तैयार की जाती है। रीढ़ के निचले हिस्से में लंबर स्पाइन और सैक्रम शामिल है। लंबर स्पाइन 5 छोटी हड्डियों से बनी होती है, L1 से लेकर L5 तक, जिन्हें कशेरुक कहा जाता है, और इनके ठीक नीचे वाले हिस्से को सैक्रम कहा जाता है, और ये भी 5 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, S1 से लेकर S5। एक्सरे इमेजिंग टेस्ट में हड्डियों की तस्वीरें लेने के लिए कुछ मात्रा में रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये मांसपेशियों, तंत्रिकाओं या डिस्क यानी कि कशेरुकाओं के बीच के नरम ऊतक उसमें समस्याओं का पता नहीं लगा सकता है। दोस्तों बात की जाए कि लंबर स्पाइन एक्सरे कौन नहीं करा सकता है, तो डॉक्टर अक्सर गर्भवती महिलाओं में लंबोसैक्रल या लंबर स्पाइन एक्सरे कराने का सुझाव नहीं देते हैं। बात की जाए कि लंबर स्पाइन का एक्सरे क्यों किया जाता है, तो कुछ स्थितियों में पीठ के निचले हिस्से में दर्द का कारण निर्धारित करने के लिए डॉक्टर ये टेस्ट लिख सकते हैं। जैसे कि जब दर्द 1 से 2 महीने तक बना रहता है, बहुत तेज दर्द होने पर, चोट के बाद दर्द होने पर, या फिर वृद्ध व्यक्ति में दर्द होने पर। एक्सरे जो है वो कुछ स्थितियों का निदान करने में भी मदद कर सकता है, जैसे कि फ्रैक्चर, गठिया, जन्मजात असामान्यता, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस यानी कि कशेरुक का उसके नीचे वाले हिस्से से खिसकना, स्कोलियोसिस यानी कि रीढ़ की वक्रता में असामान्यता होना, ट्यूमर या फिर डिस्क को नुकसान पहुंचना। दोस्तों बात की जाए कि लंबर स्पाइन एक्सरे के लिए क्या क्या तैयारियां की जाती हैं, तो लंबोसैक्रल या लंबर स्पाइन एक्सरे के लिए व्यक्ति को बेहोश करने या खाली पेट रहने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, बेहतर होगा कि आप अपने सारे आभूषण और धातु से बनी वस्तुओं को उतार कर टेस्ट के लिए जाएं, या फिर किसी सहयोगी के साथ हॉस्पिटल जाएं और टेस्ट के लिए जाने से पहले उसे पकड़ा दें। इस तरह की वस्तुएं टेस्ट में बाधा उत्पन्न कर सकती है। और इसके अलावा यदि आप गर्भवती हैं या आपको गर्भवती होने का संदेह है, तो इस बारे में डॉक्टर को जरूर से बताएं। बात की जाएगी लंबर स्पाइन एक्सरे कैसे किया जाता है, तो लंबोसैक्रल या लंबर स्पाइन एक्सरे करते समय कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि सबसे पहले आपको एक्सरे टेबल पर पीठ के बल लेटने के लिए कहा जाएगा। तकनीशियन आपकी पीठ के निचले हिस्से पर एक बड़ा कैमरा लगाएंगे। जब कैमरा चलता है तो टेबल के नीचे रखी फिल्म में रीढ़ की छवियां कैप्चर हो जाती है। डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर आपको अलग अलग स्थिति में लेटना पड़ सकता है या एक्सरे के दौरान खड़े भी रहना पड़ सकता है। शरीर के जिन हिस्सों की तस्वीर नहीं बनाई जाती है उन्हें रेडिएशन से बचाने के लिए एप्रन, एक तरह का कपड़ा होता है, उसे ढक दिया जाता है। तकनीशियन आमतौर पर 3 से 5 एक्सरे के चित्र ले सकते हैं। छवियों को धुंधली होने से बचाने के लिए एक्सरे छवियों को लेते समय आपको अपनी सांस रोककर रखने और स्थिर रहने की आवश्यकता हो सकती है। लंबोसैक्रल या लंबर स्पाइन एक्सरे में लगभग आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक का समय लग सकता है। दोस्तों बात की जाए कि लंबर स्पाइन एक्सरे के दौरान कैसा महसूस होता है, तो चूंकि इस दौरान एक्सरे टेबल पर लेटना होता है, ऐसे में आपको टेबल ठंडी महसूस हो सकती है, लेकिन इस दौरान आमतौर पर कोई अन्य असुविधा महसूस नहीं होती है। बात की जाएगी लंबर स्पाइन एक्सरे के परिणामों का क्या मतलब होता है, तो लंबोसैक्रल या लंबर स्पाइन एक्सरे से कुछ असामान्यताओं के बारे में पता चल सकता है, जैसे कि हड्डियों और उपास्थि को नुकसान पहुंचना, जैसे कि कशेरुक के बीच के जोड़ों का संकुचित होना, रीढ़ की वक्रता में असामान्यता यानी कि स्कोलियोसिस, फ्रैक्चर, ऐसे जन्म दोष जो रीढ़ को प्रभावित करते हैं, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस यानी कि लंबर वाले हिस्से में कशेरुक का अपने स्थान से खिसकना, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर या फिर गठिया। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि लंबोसैक्रल या लंबर स्पाइन एक्सरे के लाभ क्या होते हैं, तो ये जल्दी और आसानी से हो जाता है, इस प्रक्रिया में दर्द नहीं होता है और एक्सरे प्रक्रिया पूरी होने के बाद रेडिएशन का असर नहीं होता है। और बात की जाए कि इससे जुड़े जोखिम क्या है, तो कुछ मात्रा में ही सही लेकिन रेडिएशन का इस्तेमाल होता है और ऐसे में जीवन में बाद के चरणों में कैंसर विकसित होने का छोटा जोखिम रहता है। गर्भवती महिलाओं के लिए एक्सरे सुझाया नहीं जाता है क्योंकि रेडिएशन की वजह से बच्चे में जन्म दोष हो सकता है। बात की जाएगी लंबोसैक्रल या लंबर स्पाइन एक्सरे के बाद क्या होता है, तो इसके बाद आप अपनी नियमित गतिविधियों को जारी रख सकते हैं। और बात की जाए कि इस एक्सरे के साथ और कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं, तो लंबोसैक्रल या लंबर स्पाइन एक्सरे जो है वो स्लिप्ड डिस्क, स्पाइनल स्टेनोसिस यानी कि रीढ़ की हड्डी का संकरा होना, और साइटिका यानी कि साइटिका नस में दर्द जो कि पीठ के निचले हिस्से से पैर की ओर बढ़ता है उससे संबंधित पीठ की समस्याओं का पता नहीं लगा सकता है। तो ऐसे में सटीक निदान के लिए डॉक्टर अन्य टेस्ट कराने के लिए भी कह सकते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI या फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि CT स्कैन। ध्यान रहे कि ये जो टेस्ट के परिणाम जो है ये रोगी के नैदानिक स्थितियों से सहसंबंध यानी कि जुड़े हुए होने चाहिए।
ये जो जानकारी है ये शैक्षिक दृष्टिकोण से दी गई है और ये किसी भी डॉक्टर द्वारा सुझाए गए मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।